शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन बड़े ही सादगी से मनाया गया। देश में कोरोना संकट होने से कोई भी बड़ा कार्यक्रम नहीं हो सकता, मगर जन्मदिन के दिन कोई सामाजिक कार्य किया जाए तो वह अच्छी मदद है। इसी उद्देश्य से नागपुर शहर के कांग्रेस कमेटी की ओर से राहुल गांधी इनके जन्मदिन पर मेयो के नवजात शिशु केंद्र पर फल और बिस्किट का वितरण किया गया। इस मौके पर कांग्रेस सरचिटनीस रामकिशन ओझा, बबन राव तायवाड़े के साथ ही अन्य कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। इसके साथ ही मेयो अस्पताल में जो डॉक्टर कोविड ओपीडी में अपनी सेवा दे रहे हैं, ऐसे कोविड योद्धाओं का सम्मान भी किया गया। शहर के मौलवी भंते एवं पंडित द्वारा मंत्र के साथ आशीर्वाद दिया गया। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हमारे देश में जो सबसे बड़ी शक्ति आज भगवान के रूप में खड़ी हुई है। कई लोग ये कहते हैं कि हमने मंदिरों में बहुत समय गुजारा, गिरजाघरों में बहुत समय गुजारा, मस्जिदों में बहुत समय गुजारा और बहुत सारे बिल्डिंग बनाने में समय गुजारा, पैसा गुजारा। आज ये जो लोग आपके सामने खड़े हैं, इन्होंने इस देश को संवारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप को खतरे में डालकर कोरोना जैसी महामारी से इस देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस दिन आदरणीय हमारे राहुल जी का जन्मदिन है, उस जन्मदिन को हम मना नहीं रहे हैं। उस जन्मदिन पे क्योंकि चाइना का भी प्रॉब्लम चल रहा है, हमारे देश में 20 जवान शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हैं हम। और हम ये आज इस दिन इन सबको प्रणाम करके, इन सबके लिए आशीर्वाद मांग करके हम उनके जन्मदिन को मना रहे हैं।